हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में बात होगी मैच नंबर 35 बेंगलुरु खेलेगी चेन्नई से और कहां खेलने वाली है ड्रम रोल्स प्लीज। जी हां, खेली जाएगी ये शारजा क्रिकेट ग्राउंड में द ग्राउंड ऑफ स्टॉर्म्स। बहुत इंतजार किया है हमने और अब जाके खेली जाएगी ये मैच शारजा में। कैसी होगी शारजा की कंडीशंस, इस मैच के लिए आपके टॉपिक्स कौन हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ और मसालेदार फैंटेसी क्रिकेट एनालिसिस इस वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द फैंटेसी गली शो। जी हाँ बिल्कुल, बेंगलुरु खेलेगी चेन्नई के साथ। मेरे साथ हैं इस पर्टिकुलर शो में इस मैच को डिस्कस करने के लिए कार्तिक अय्यर। जी हाँ कार्तिक, शारजा में पहुंच गए हैं हम लोग। सबसे पहले कंडीशंस कैसे रहेगी शारजा में? आजा शारजा, यही सब बल्लेबाज कह रहे होंगे क्योंकि अभी तक जो हमें इंडियन T20 लीग में देखने मिला है ये सेकेंड लेग में सब गेंदबाज। अगर आप वो पंजाब राजस्थान मैच हटा देंगे तो शारजा डेफिनेटली, आप घास उगाओ या ना उगाओ आपको तो रन्स मिलने ही वाले हैं। फ्लैट डेक होने वाला है, प्लस आपको ड्यू भी मिलेगा, यानी चेजिंग इज द बेस्ट वे। बिल्कुल, अगर ओवरऑल कंडीशंस के बारे में बात करें, जिस तरह से शारजा वो पूरा स्टेडियम प्लेस्ड आउट है, कभी कभी आपको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी भी मिलता है, उसी की वजह से ग्राउंड थोड़ा ज्यादा स्वेट करने लगता है। उसी की बात कार्तिक कर रहे हैं कि आपको ड्यू दिखेगा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज व्हेनेवर वी प्ले देयर। लेकिन कार्तिक, इसके अलावा वो जो आपने बाउंड्रीज के बारे में बात की, क्या ये एक डेफिनेट इम्पैक्ट है कि आप उन बल्लेबाजों को ले जिनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी इम्पेकेबल है? ऑफकोर्स, मतलब एक साल हो गया है इस बात को, लेकिन क्या अभी तक आप ये भूले हैं कि राहुल टेवाटिया ने शेल्डन कॉटरन को एक ओवर में 30 रन मारे थे उस इंडियन T20 लीग एडिशन में। यानी इतना हेल्पफुल है पिच बैट्समैन के लिए, तो डेफिनेटली आप स्ट्रोक मेकर्स को ही ज्यादा ले, बात नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि आप उनको ज्यादा टाइम दें। अब क्योंकि ये मैच है बैंगलोर और चेन्नई, तो आई होप उनके पास जो बिग हिटर्स है वो ज्यादा टाइम खेले, लाइक ड्वेन ब्रावो, ये सब ऊपर आए बैटिंग करने के। बिल्कुल, तो ये थी कंडीशंस का लेखा जोखा शारजा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। इससे पहले हम लोग आपको टॉप पिक्स बता दें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाला डिस्कशन जो है वो पहले साइड पे रख लेते हैं। कार्तिक, शारजा में पहला मैच है, दो हमें टीम्स के बारे में अभी थोड़ा आइडिया हो गया है, उनकी कंडीशंस के बारे में, प्लेइंग सरफेस, प्लेइंग कंडीशंस अभी फिर भी नया है, तो क्या फिर से वही स्ट्रेटजी की इन्वेस्टमेंट लो रखा जाए लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट ट्राई आउट किया जाए? ऐसे मैच के लिए जहां पर आपको पता है कि आपके बॉलर ज्यादा चलने की चांसेस कम है, आप चाहिए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अपने बैट्समैन के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा वेन्यू है जहां पर अगर आप 200 भी मारेंगे तो भी शायद वो चेस हो जाएगा। तो अगर आप ज्यादा बैट्समैन रखें अपनी टीम में, कहिए दो कीपर रखें, चार या पांच बैट्समैन भी रखें और जो ऑलराउंडर्स है वो बॉलर टाइप हो, तो फिर या बैट्समैन टाइप हो, माफ कीजिएगा, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई भी रख सकते हैं। एंड यस, वो तो आपने बात सही ही करी कि थोड़ा खेलने से अच्छा है कि ज्यादा जगह पर खेले ताकि आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले। इस पर्टिकुलर फिक्चर में हमने लास्ट फिक्चर में देखा था कि हम थोड़ा डाउटफुल हो रहे थे कि चेन्नई का जो मैच था उस मैच में जब मुंबई के अगेंस्ट था कि वहां पे दोनों अच्छे कीपर्स हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो टैलिस्मैन वर्सेस टैलिस्मैन है ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों काफी इंपैक्ट प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स के लिए। अगर मैं ईबी डिविलियर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ही मिस्ड आउट, उनको लगा होगा कि वहां पे जाके उनको थोड़े ज्यादा रन करने चाहिए थे, आते ही आउट हो गए थे ऑब्वियसली, तो आप कुछ उससे यू कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट इनिंग्स, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन अगर धोनी के बारे में बात करें तो वहां पे अगर फिर से विकेट्स गिरते हैं ऊपर से, शारजा में ये कहना मुश्किल है ऑब्वियसली कि नए बॉल से विकेट जाएंगे वैसे, लेकिन अगर गिरते हैं तो देन महेंद्र सिंह धोनी अगेन स्टैंड्स अ चांस। तो अगर आपको एक कीपर लेना है, बस ब्रीफली बताएं कि किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? एबी डिविलियर्स विदाउट अ डाउट, क्योंकि आपने सवाल में ही अपना जवाब डाल दिया कि व्हाट आर द चांसेस कि एमएस धोनी को बैटिंग करने मिल सकता है। हाँ, चेन्नई की टॉप ऑर्डर शेकी है, पहले मैच में हमें लग रहा था कि फाफ डू प्लेसी 99% नहीं खेलेंगे, लेकिन वो 99% ऑलमोस्ट 0% हो गया जब वो टॉस के बाद आए खेलने के लिए।
लेकिन अब सीरियस क्वेश्चन मार्क्स ऑन अंबति राइडू, क्योंकि वो चोटिल हो गए थे, उन्हें कंधे पर बॉल लगी, सॉरी एल्बो पर बॉल लगी थी और मुझे लगता नहीं है कि वो खेलेंगे। तो क्या चेन्नई फाइनली नारायण जगदीशन को लेगी? अगर लेगी तो वो भी आपके लिए एक कीपर ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन एमएस धोनी फिर भी मैं कहूंगा वेरी रिस्की ऑप्शन, नॉट बिकॉज कि वो नहीं मार पाएंगे बट बिकॉज उन्हें टाइम नहीं मिलेगा। ये देखिए जगदीशन देखिए 29-35 फिर थोड़ा लो फॉर्म में थे, लेकिन इसके पहले अगर आपने फैंटेसी गली को फॉलो किया रहेगा, विच आई एम श्योर कि आप जैसे लॉयल फैंस जो है फॉलो करते ही हैं, TNPL में तमिलनाडु प्रीमियर लीग में नारायण जगदीशन बहुत अच्छा खेल रहे थे ओपनिंग आकर। तो इधर अगर राइडू आउट ऑफ फॉर्म है, माफ कीजिएगा राइडू अगर फिट नहीं है, तो अगर धोनी जगदीशन को अंदर लाते हैं और टॉप थ्री में खिलाते हैं आपको काफी पॉइंट्स मिल सकते हैं और आप जगदीशन को अपने ग्रैंड लीग में एज अ डिफरेंशिएटर खिला सकते कार्तिक। डिफरेंशियल पिक एक और है मेरे पास कीपर बैट्समैन के हिसाब से, क्योंकि ये ऑब्वियसली शारजा है, हम थोड़े कीपर बैट्समैन के ऊपर थोड़े कीन हैं दोनों भी। ये आपके पास शिखर भरत हैं जो जिनको मौका मिला था उस गेम में, ब्लू जर्सी में आए थे और बहुत जल्दी बहुत सारे स्ट्रोक्स मारने की कोशिश की और ऑब्वियसली आउट हो गए। शारजा वाले ग्राउंड में अगर इनको फिर से मौका मिलता है तो शायद इनसे भी थोड़ा सा आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि वो आपके हेड टू हेड सेफ टीम में अभी फीचर करेंगे भरत, लेकिन अगर ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं तो वहां पे आप सोच सकते हैं कि आप एक से ज्यादा विकेट कीपर बैट्समैन ले सकते हैं। तभी आपके पास जगदीशन हो गए, आपके पास अजहरुद्दीन का भी ऑप्शन है, या तो मैंने भरत के बारे में बात की, तो इन प्लेयर्स में से आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द बेसिकली द स्पेशलिस्ट द बैट्समैन, देखिए ये इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ग्राउंड स्पेसिफिक आपको टीम बनानी चाहिए। सेफ टीम में ऑलरेडी चार बल्लेबाज हैं आपके तरफ से, दोनों टीम में से दो दो बल्लेबाज हैं। अगर मैं इनको डिस्कस करूं, देखिए विराट कोहली का वो मैच आप भूल जाएं, एवी डी विलियर्स का आप वो मैच भूल जाएं, ये प्लेयर्स को आदत है कि ये कमबैक करके रन करते हैं, तो मैं शायद इस मैच में विराट कोहली के साथ जाऊं डेफिनेटली एज माय हाई क्वालिटी प्लेयर, टॉप बैट्समैन, मौका मिलेगा तो बड़ा रन करेंगे डेफिनेटली। ऋतुराज गायकवाड़ जिस फॉर्म में है, वो शारजा में खेल रहे हो, मेरे घर में खेल रहे हो, उनके घर में खेल रहे हो, उनको पिक करूंगा ही डेफिनेटली, तो मैं उनके साथ भी जाऊंगा। ये हो गए, देखिए दोनों स्ट्रेट वे मैंने सलामी बल्लेबाज ले लिए हैं, यहाँ पे मुझे चूजी होना पड़ेगा। ऑल्दो सेफ टीम में यहाँ पे आपको मेंशन किया जा रहा है कि आप डुप्लेसी के साथ ही जाएं, मेरे हिसाब से आपको फैफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, इनमें से किसी दो को लेना है और ये आप होप करें कि वही दो प्लेयर्स चल जाए और जिनको आपने नहीं दिया है वो मिस आउट करे। फैफ डुप्लेसी अगेन मिस्ड आउट ऑन दैट गेम, वो गेम आप भूले ऑलमोस्ट, यो सोचे कि वो नहीं हुआ था उनके लिए, क्योंकि ये भी कमबैक करने के बाद उतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे हेड टू हेड में एक और प्लेयर है यहाँ पे सचिन बेबी, जिन्होंने थोड़ा बहुत टाइम जरूर स्पेंड किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए स्ट्रेट अवे एक यू नो स्टार्टर है मेरी बैटिंग लाइनअप में। अगर इनके जगह पे मैं एक और आउट एंड आउट बल्लेबाज खिलाना चाहूंगा तो हो सकता है कि मैं शायद चेन्नई के थोड़ा सा जो मिडल ऑर्डर से एक बल्लेबाज है वो है सुरेश रैना, मैं शायद इनको थोड़ा सा मौका दूं। उस गेम में जहां पे ये आउट हुए वहां पे बहुत कुछ हो रहा था, ऐसा लग रहा था थोड़ा केओस लग रहा था रैना के इर्द गिर्द और मारते ही आके आउट हो गए। अगर शारजा जैसे विकेट पे थोड़ी देर 5-10 मिनट सांस ले गए सुरेश रैना, बाउंड्रीज छोटी है, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक जरूर हो सकते हैं। इन बल्लेबाजों के अलावा कार्तिक आपके नजर में कोई दूसरा है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, और उसके लिए मुझे कप्तान विराट कोहली की मदद लगेगी, क्योंकि अमूमन आप एक 92 ऑल आउट के बाद टीम चेंज नहीं करते बिकॉज पूरी बैटिंग यूनिट फ्लॉप हो गई, लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड जो है हम बार बार कहते आ रहे हैं और प्लेयर्स को भी पता है कि एक छोटा ग्राउंड है, तो क्या आप एक बॉलर के जगह पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की रिस्क लेंगे? रिस्क हो सकता है लेकिन एडवांटेज भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं बैंगलोर के फॉरेन ऑप्शंस की, आपके ग्लेन मैक्सवेल परमानेंट है, आपके एबी डिविलियर्स परमानेंट, बाबा आई लव यू, एबी डिविलियर्स परमानेंट है, काइल जेमिसन भी परमानेंट है, तो आपको पता चल गया मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूं, टिम डेविड। लास्ट मैच में ये चौथे ऑप्शन थे वनिंदु हसरंगा, अब क्योंकि वनिंदु हसरंगा लेग स्पिनर भी है प्लस इंडियन T20 लीग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, छोटा ग्राउंड है, आप हसरंगा को ओमिट करके ये मैच के लिए टिम डेविड को लेके आ सकते हैं और
इन्हें हमने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते देखा है। पाकिस्तान सुपर लीग जैसे आपको पता होगा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खेला जाता, कराची में खेला जाता है, लाहौर में खेला जाता है, अबू धाबी में भी खेला जाता है, दुबई में भी खेला जाता है, शारजा में भी खेला जाता है, और टिम डेविड हर एक ग्राउंड में खेल चुके हैं और इन्हें एक्सपीरियंस है। तो अगर विराट कोहली मेरी मदद करे तो इन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं, और आप हमारी मदद से और अपने लॉजिक के हिसाब से इन्हें अपनी टीम में जरूर रख सकते। बिल्कुल, यही सारी एनालिसिस आपको एक्सक्लूसिवली हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती है, बाकी कहीं पे आपको ऐसी एनालिसिस नहीं मिलेगी जहां पे आप हम पुराने टूर्नामेंट्स जो हमने देखे हैं उसके इनसाइट्स हम आपको शेयर करते हैं। कार्तिक के ये इनसाइट्स आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलेंगे। आपको फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, और प्ले स्टोर से ऑफकोर्स हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना है। कार्तिक, बल्लेबाजों का काम बन गया है इन टॉपिक्स में डेफिनेटली। अगर स्ट्रेट अवे मैं ऑलराउंडर्स की तरफ जाऊं, क्योंकि एक टेंडेंसी ये भी रहता है कि शायद मैं कीपर बल्लेबाज थोड़े लिमिटेड खिला हूं, अगर हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर्स है तो उनको मैं डेफिनेटली एक चांस दूं। दोनों जो हमारे सेफ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट किए जा रहे हैं वो भी ऑलराउंडर्स है, देख लेते हैं। देखिए ऑब्वियसली आपके पास हसरंगा का ऑप्शन है। कार्तिक ने जिस पॉइंट को लेके बात की वो ये थी कि ऑब्वियसली देखिए मिस आउट करके थे पहला गेम, हो सकता है कि चेंजेस बने, लेकिन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं विराट कोहली, अगर उनको सेम कॉम्बिनेशन के साथ सेट करना है तो देखिए हसरंगा को आप मौका दें। छोटी बाउंड्री जरूर है, लेकिन जिस तरह की हिटिंग वो कर सकते हैं, जितने शायद पॉइंट्स वो आपको बॉल के साथ दें या ना दें, बैट के साथ दे सकते हैं अगर बल्लेबाजी आए उनकी, ये पहली बात है। दूसरी बात, इनके साथ एक दूसरे ओवरसीज ऑलराउंडर खेलने वाले हैं दूसरी टीम से, वो है मोइन अली। मोइन अली छोटा ग्राउंड हो या बड़ा ग्राउंड हो, मोइन अली की हिटिंग एबिलिटी वो है कि वो ग्राउंड क्लियर करते हैं, वो बाउंड्री पे बहुत हार्डली आउट होते हैं क्योंकि जिस तरह की फ्लरिश है वो क्लियर ही करेंगे आपको, लेकिन डिपेंड करता है कि मोइन अली की बोलिंग कैसे चल रही है। अब जिस तरह की मैंने कैप्टेंसी देखी वहां पे ऐसा लगा कि शायद वेट कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की कब उनसे एक ओवर वो डला सकते हैं, एक ओवर निकाल सकते हैं, वो माइंडसेट थी। मैं देखना चाहता हूं अगर मोइन अली को एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन यूज करते हैं तो वो मेरे लिए डेफिनेटली एक टॉप पिक बनते हैं। तीसरा नाम यहाँ पे जो नोटिस किया जा रहा है वो ये है, वो सैम करन का है। अब आप टॉस के लिए वेट करें, सैम करन के लिए नहीं वेट करें, टॉस के लिए वेट करें। जैसे ही टॉस बन जाएगा आप देखेंगे 10 नए अपडेटेड कॉम्बिनेशंस या तो हमारे वेबसाइट पे आ गया होगा या तो ऑब्वियसली हमारे मोबाइल ऐप पे आ गया होगा। फिर अगर सैम करन आपको दिखते हैं तो देन यू कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि शायद फिर नया बॉल डाल दें प्ले के अंदर, दो ओवर इनको मिल जाए शायद, और अगर बल्लेबाजी का ऑप्शन मिला तो ही कैन टॉन्क अ फ्यू। ये तो ऑलराउंडर वाले ऑप्शन हो गए। कार्तिक, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल पिक्स इन द ऑलराउंडर स्किल्स कौन है आपके नजर में बेसिकली? ड्वेन ब्रावो, सिंपली बिकॉज उनका फॉर्म इस टाइम पे बहुत ही उमदा है, एंड इनफैक्ट अगर वेस्ट इंडीज के कोई फैंस ये शो देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच, मैं एडवांस में भूल दे रहा हूं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है क्योंकि आपके काफी सारे प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप के पहले, आई एम अज्यूमिंग आपको हिंदी समझ में आती है, T20 वर्ल्ड कप के पहले फॉर्म में आ रहे हैं। चलिए जोक्स अपार्ट, ड्वेन ब्रावो ने डेथ बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त अभी वापस करनी शुरू की है। फर्स्ट लेग में उनकी बॉलिंग नहीं चल रही थी ना बैटिंग, ये देखिए लास्ट मैच में 124 अंक, ड्रीम टीम के कैप्टन थे, उसके पहले 61 अंक थे, और ये जो लिस्ट है ना इसमें आपको CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग की ग्राफ नहीं दिख रही है। अगर हमने वो लीग फॉलो की थी और वहां पर भी उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है काफी बढ़िया थी। बाबा शीश ने मोइन अली की बात की थी, वलिंदु हसरंगा की बात की थी, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूं अगर आपका ऑलराउंडर एक स्पिनर है तो, क्योंकि जहां तक मैं मोइन अली को देख रहा हूं MS धोनी उन्हें शायद पावर प्ले का पहला या दूसरा ओवर ही दे दे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच में विराट कोहली को आउट किया था शायद, तो उस हिसाब से विराट कोहली का आउट करने के लिए मोइन अली को गेंदबाजी देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास ग्लेन मैक्सवेल है, एबी डिविलियर्स है, मोइन अली शायद गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो ऐसे में शायद ड्वेन ब्रावो आपके लिए एक अच्छे डिफरेंशियल पिक होंगे क्योंकि रन तो मारेंगे विकेट्स भी लेंगे। अगर आपने दोनों राइट हैंडर्स की बात की तो मेरा जो मैचअप दिमाग है वो स्ट्रेट अवे रविंद्र जडेजा को पिक करता है, कि अगर वैसी स्ट्रेटजी होने वाली है तो मैं एक मीडियम टीम बनाने वाला हूं जहां पे मैं जड्डू को एज एन ऑलराउंडर स्लॉट करूंगा, क्योंकि हो सकता है यार कि अब आपको पिच का तो है नहीं कि अगर थोड़ा सा स्लो हो गया, अगर
घूमने भी लगा, और जड्डू के पास ऑब्वियसली एबिलिटी है कि वो किसी भी ग्राउंड पे भी छक्का मार सकते हैं, शारजा में तो और जोरदार खेलते हैं। फर्स्ट लेग में तो उन्होंने 37 रन जोड़े थे एक ओवर में ही हर्षल पटेल के अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और हर्षल पटेल जिस तरीके की उनकी उनके बारे में बात करेंगे व्हेन वी मूव ऑन टू दैट स्किल ऑब्वियसली। लेकिन कार्तिक ये बस मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग जडेजा के साथ जा रहे हैं, देखिए उनकी क्रेडिट काफी हाई है, तो आपको फिर वहां पे एक स्मार्टर पिक, एक बजट पिक कहीं से उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बात किया कि आपके पास बैट्समैन भी ऐसे हैं जो कि ज्यादा क्रेडिट वाले प्लेयर हैं, तो आपको उस हिसाब से वो भी देख के आपको कॉम्बिनेशंस और परमिटेशन कॉम्बिनेशंस उस हिसाब से देखना पड़ेगा। कार्तिक बोलर्स के बारे में कैसे देखते हैं, कौन है आपके टॉप पिक्स इन टर्म्स ऑफ बोलर्स? बिफोर सेगमेंट टू बोलर्स, एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, दिस इज आउट ऑफ द ब्लू, ये जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन somehow मुझे ऐसा लग रहा है, वो कहते ना थोड़ा बहुत एक इंट्यूशन, कि शायद बैंगलोर एक गैम्बल ले और डैनियल क्रिश्चियन को खिलाए। मैं क्यों डैनियल क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जबरदस्त हिटर है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश सीरीज फॉलो की होगी, उसमें एक मैच था चौथी मैच, उन्होंने शाकिब अल हसन, जी हाँ नंबर वन ऑलराउंडर, उनको एक ओवर में 5 छक्के जड़े हो बांग्लादेश के मैच में पिच पे, तो हो सकता है विराट कोहली ने अपनी टीम में ले, अगर आप टॉस के बाद आते हैं और आपको ये बंदा थोर जैसे दिखते हैं ना, जैसे थोर को आपने देखा रहेगा, तो थोर जैसे दिखते हैं ये बंदे, अगर इन्होंने अपना हैमर चला दिया ना, तो आपके पॉइंट्स डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलेंगे, तो ये जरूर ध्यान में रखना। अब आता हूं बाबा शीश के सवाल पर, गेंदबाज, गेंदबाज के लिए मैं इस पर्टिकुलर पिच पर स्पिनर कम ही रखूंगा, मैं सीधा फास्ट बॉलर्स की तरफ ही जाऊंगा, और यहाँ पर बॉल जो है स्विंग होता तो पहले 2-3 ओवर में, तो आपके दीपक चहर और आपके जॉश हेजलवुड बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि सैम करन तो ऑलरेडी आप ले ही रहे हैं, और मेरे तीसरे प्लेयर रहेंगे लुंगी एनगिडी। क्यों ये तीन बॉलर मैं लूंगा मैं बताता हूं, क्योंकि अगर बॉल स्विंग नहीं भी हो रहा है तो ये तीनों बॉलर लेंथ को एडजस्ट करते हैं, जैसा जॉश हेजलवुड ने उस दिन काइरन पोलार्ड को आउट किया था LBW, लेंथ एडजस्ट कर दिया था, ये तीनों बॉलर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और ये आपको पॉइंट्स जरूर दिला सकते हैं। बैंगलोर में से कोई कोई साइट्स में आपको जेनिसन ऑलराउंडर मिलेंगे, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर, अगर कोई कोई साइट्स में बोलर्स है एज अ बोलर है तो आप उन्हें एज अ बोलर भी ले सकते हैं अपनी टीम में। इनके अलावा कोई और सजेशन बाबाशीष? प्रोबेबली शार्दुल ठाकुर। बिल्कुल शार्दुल ठाकुर, देखिए फर्स्ट गेम में भी उनको मैंने बैक किया था और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो रोल उनको अभी भी मिल रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा जो एक इंट्यूशन है वो जा रहा है यूजी चहल को लेके। मैं सोच रहा हूँ कि ये इससे बड़ा चैलेंज चहल को नहीं मिल सकता, शारजा में अप अगेंस्ट यू नो दैट लोअर मिडल ऑर्डर, दैट पंची हिटिंग फॉर्म ऑफ CSK, अगर वहां पे चहल जो थोड़ा सा वाइडर डालते हैं, स्लो डालते हैं, तो हो सकता है कि, क्योंकि कभी कभी बार आप बाउंड्री छोटे होते हैं, बल्लेबाज ओवर हिट करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, और चहल वैसे ही बॉलर हैं ऑलमोस्ट। कोलकाता है कि अगेन जब कुछ नहीं चल रहा था तो यही एक बॉलर थे जो ऑलमोस्ट एक टाइट लाइन एंड लेंथ में वो डाले जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से मैं उनको और एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। हो सकता है लेगी पिक करना स्ट्रेट अवे एक रिस्की पंट वो स्ट्रेटजी हो, लेकिन वो मेरी सोच है। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही टॉस बन जाए आपको आना है फैंटेसी गली, क्योंकि फिर आपको सोचने के लिए 10 ऑप्शंस भी तो चाहिए, वो आपको मिलेंगे वहां पे। मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो वहां से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, या तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे। कार्तिक वेरी क्विक, पहले बाबाशीष बिफोर यू राउंड अप, क्या ये कहना थोड़ा लाजमी होगा कि जो भी बैंगलोर बॉलर्स हैं उन सबको शायद इंडिया में टफेस्ट कंडीशंस मिलते हैं, क्योंकि एम चिन्नस्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु है वो शारजा जैसा ही है, यानी छोटा है, और चहल को शायद वहां पर इतने छक्के पड़े हैं तो उन्हें वो एक्सपीरियंस है, तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि अगर बैंगलोर सेकेंड बॉलिंग कर रही है तो आप बॉलर्स बैंगलोर से ज्यादा लो, क्योंकि उन्हें उन कंडीशंस में बॉलिंग करने की एक्सपीरियंस है और वो आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स और विकेट्स दिला सकते हैं। मैं ओवरऑल नहीं हूंगा इस स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि हमें ड्यू का उतना पता नहीं है, हमें पता है कि ये ग्राउंड स्वेट करती है, तो इवन इफ चहल कितना भी कोशिश करे, अगर वेट बॉल
है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर शारजा में अगर रेड बॉल है तो और इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर पहले गेंदबाजी हो रही है चहल से तो शायद मैं सोचूंगा कि उनके ऊपर वो एक मैं उनको पूरक रखूं एज अ बॉलिंग पिक। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस आपके लिए ये रहे फैंटेसी गली के बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई गेम के लिए, वन इन दो हसरंगा, डिपेंड करता है खेलते हैं कि नहीं, खेलते हैं तो डेफिनेटली। सैम करन है सेम ऑप्शन, आपको टॉस के बाद वेट करना पड़ेगा। सचिन बेबी है यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि बेबी स्टेप्स ले सचिन बेबी को रखते हुए अभी फिलहाल, तो मैं कहूंगा दूसरे परफॉर्मर्स हैं आपके पास। फैफ टू प्लसी अगेन डेफिनेटली है, फिर भी मीडियम रिस्क है इन टर्म्स ऑफ कैप्टन वाइस कैप्टन, सेफ टीम में मैं नहीं कहूंगा। मोइन अली समन की अगर उनको चांस मिलता है तो आप उनको डेफिनेटली रख सकते हैं। कार्तिक, इन नेम्स के अलावा एक या दो नाम जिनको आप, हो सकता है कि आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन रख सके? एबी डिविलियर्स स्ट्रेट अवे, क्योंकि नंबर चार पर बैटिंग करने तो आ ही जाएंगे तो इन्हें बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और हमने ऑलरेडी देख लिया है लास्ट सीजन की शारजा में ये क्या धूम मचाते हैं। एक रिस्की पिक का नाम लूंगा, वो है ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि उनका फॉर्म ऐसा ऐसा रहता है, तो कौन से वाले ग्लेन मैक्सवेल आएंगे वो पता नहीं, लेकिन अगर ये चल गए ये आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। तीसरा नाम अगर इन्हें चेन्नई ने लिया तो वो है नारायण जगदीशन, सिंपली बिकॉज ये ऊपर आएंगे बैटिंग करने के लिए और हो सकता है ये कीपिंग भी करे अगर इन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिले तो ये तीन मेरे सेफ प्लस रिस्की पिक्स होंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। All right, you've heard from Karthik, you've heard from me. ये पूरा एपिसोड में हमने बात किया इस मैच के टॉपिक्स, कंडीशंस कैसे होने वाले हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, हम ही आपसे बात करते रहते हैं, आपको भी करना चाहिए हमसे बात, तो ऐसी बातचीत चलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। बाकी दुनिया भर की क्रिकेट की फैंटेसी एनालिसिस जो है आपको फैंटेसी गली पे मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट कार्तिक फॉर डूइंग दिस, विल कीप डूइंग दिस एज वी मूव ऑन। इस गेम को बाकी सारे भाई और बहन जो खेल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल सी यू सून ऑन यूट्यूब। बाय बाय।